बहुत ज्यादा मधुमक्खी है। तो गाइस ट्रैफिक देख सकते हैं कितना ज्यादा। हे गाइस वेलकम टू आवर YouTube चैनल BC ब्लॉग। सो भाई आज हम लोग जा रहे हैं सरोधा दादर और अभी हम लोग खड़े हैं, यह है भोरमदेव घाट के वॉच टावर पे खड़े हैं। गाइस यहाँ का ब्लॉग आप लोग को नीचे लिंक मिल जाएगा गाइस, और देख सकते हैं इधर से हम लोग आए हुए हैं, इधर से रास्ता दिख रहा है, शायद ये वाले कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ का भी थोड़ा नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये वाला एरिया पूरा जंगली जानवर से भरा हुआ है गाइस, तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और यहाँ रात में तेंदुआ आसानी से दिख जाता है गाइस। तो गाइस ये वाला जंगल भोरमदेव अभयारण्य के अंदर आता है और हिरणों की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है। पूरा नेचर एकदम अच्छा लग रहा है इधर का, बहुत ही शांति का माहौल है इधर। और आप लोग कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं गाइस, पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं, शायद नहीं भी आ सकते क्या है। भोरमदेव अभयारण्य के अंदर आता है। तो गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा ढलान थे, हम लोग गाड़ी बंद कर दिए हैं और यहाँ कीड़ों की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है गाइस। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का और बहुत प्यारा जंगल है ये भोरमदेव अभयारण्य का। और यहाँ सफारी भी कर सकते हैं गाइस, भोरमदेव अभयारण्य सफारी भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ का नज़ारा देखो गाइस, पीछे से शायद गाड़ी आ रही है तो उसको जाने देते हैं। तो गाइस हम लोग अब चिल्फी घाटी की चढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा ट्रक चल रहा है और वानर सेना बैठी हुई है। तो गाइस हम लोग को संभाल के चलना होगा, यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता है गाइस। सामने का नज़ारा इंजॉय करो गाइस। तो गाइस हम लोग नांगमोरी मोड़ पहुँच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, गाड़ी शायद चढ़ गई है, गाड़ी चढ़ गई है। क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। बहुत खतरनाक मोड़ है गाइस, चिल्फी घाटी का सबसे खतरनाक मोड़ माना जाता है इसको। तो गाइस आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा कूल है गाइस, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है। आप लोग को आगे चल के आप लोग को ट्रक भी दिखाता हूँ गाइस। गाइस ट्रक यहाँ से कैसे मुड़ती है गाइस, यहाँ का ब्लॉग चाहिए तो आप लोग को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस देखो ट्रक कैसे मुड़ती है, कितनी बड़ी ट्रक है। यहाँ ओवरटेक बिल्कुल नहीं करना है गाइस। तो गाइस यहाँ सामने गाड़ी ख़राब हो गई है और इधर सामने ट्रक आ रही है तो हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो ट्रक जैसे ही निकलती है फिर हम लोग आगे निकलेंगे, बहुत सारी ट्रक आ रही है इधर से। आगे एक बड़ी वाली ट्रक ख़राब हो चुकी है। तो गाइस ट्रैफिक देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और हम लोग चिल्फी पहुंच चुके हैं गाइस। यहाँ आटे वाले लोग गाड़ी रुकवाते हैं और यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ ओवरटेक नहीं कर सकते। तो भाई हम लोग को सरोधा दादर जाने के लिए सामने चिल्फी थाना पड़ेगा, उसके बाजू से एक रास्ता है वहाँ से जाना होगा, तो वाला रास्ता भी आप लोग को दिखाएंगे।
तो गाइस यहाँ से हम लोग को यू टर्न लेना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग यू टर्न ले लिए हैं और यहाँ से हम लोग को लेफ्ट में जाना होगा और यहाँ एक कार एक्सीडेंट हुई है गाइस। तो गाइस ये वाला रास्ता सीधा सरोदा दादर जाएगा। तो गाइस चलते हैं और आप लोग को वहाँ का दिखाते हैं नज़ारा। तो रास्ता देख सकते हैं गाइस कितना घनघोर जंगल है और बहुत यहाँ एक भी आदमी नहीं दिख रहा है गाइस, यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, यहाँ बहुत सुनसान सा एरिया है। और ठंड के दिनों में तो भाई इधर बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी होती है, बर्फ जम जाती है गाइस। और बारिश में भी तो यहाँ का माहौल और भी ज़्यादा देखने लायक रहता है। तो गाइस आप लोग को बारिश में भी ब्लॉग चाहिए यहाँ का तो कमेंट कर बताना, और ठंड का भी चाहिए हो तो कमेंट करके बताना। तो गाइस यहाँ रास्ता बहुत ख़राब है, ये आदिवासी लोग का एरिया है गाइस, ख़राब रास्ता है गाइस। तो गाइस आप लोग को वाइट कलर का कुछ दिख रहा होगा, वो है यहाँ का वॉच टावर। यही हम लोग सरोदा दादर पहुँच चुके हैं गाइस, आप लोग को वॉच टावर के पास चलते हैं हम लोग और वहाँ से दिखाते हैं यहाँ का पूरा व्यू। गाइस हम लोग सरोदा दादर वॉच टावर गए थे तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मधुमक्खी दौड़ाया गाइस। रुक जा भाई, थोड़ा बता दे यार उधर मधुमक्खी है ना, तो भाई बता दे उधर वॉच टावर में मधुमक्खी बहुत ज़्यादा। यहाँ हो, यहाँ बहुत ज़्यादा मधुमक्खी है और जाएंगे तो आपको चाहिए बहुत काटेगी उधर मधुमक्खी। तो भाई उधर जाना अभी ठीक नहीं है। तो भाई ने बताया हम लोग को पहले मधुमक्खी दौड़ा चुका है, तो हम लोग आके इधर पूछे क्या चीज़ था छोटा कीड़ा टाइप का। तो भाई लोग बताया उधर बहुत ज़्यादा मधुमक्खी है तो उधर जाना ठीक नहीं है, तो कभी और आएंगे तो ब्लॉग बनाएंगे गाइस उसका। तो भाई आगे रिसोर्ट है वो दिखाते हैं आप लोग। तो गाइस ये है सरोदा दादर का रिसोर्ट, आगे बहुत सारे रिसोर्ट बने हुए हैं और बहुत अच्छा बन चुका है गाइस यहाँ एडवेंचर, और यहाँ आप लोग कभी आ सकते हैं एडवेंचर कर सकते हैं। भाई उधर बहुत ही ज़्यादा मधुमक्खी था गाइस, बहुत ही ज़्यादा दौड़ाया गाइस हम लोग, तुरंत भागे वहाँ से। तो गाइस अभी रिसोर्ट पूरा खाली दिख रहा है, कुछ कुछ रिसोर्ट भरा हुआ है, नीचे कार वार रखी हुई है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ। तो गाइस हम लोग आए थे सरोदा दादर, ये है सरोदा दादर का रिसोर्ट। तो भाई हम लोग वॉच टावर गए थे, वहाँ बहुत ही ज़्यादा मधुमक्खी है। तो भाई आप लोग भी कभी भी आते हैं यहाँ घूमने के लिए तो थोड़ा सावधानी से आए, और आप लोग को मैं यहीं से सरोदा दादर के सामने नज़ारा दिखाता हूँ। तो भाई देखें,
तो गाइस हम लोगों ने पूरा सरोधाधार रिसोर्ट घूम लिया। वॉच टावर तो गए थे लेकिन वहाँ बहुत ही खतरा था, मधुमक्खी बहुत ही ज़्यादा था, तो वहाँ फिर कभी दिखाएंगे वहाँ का ब्लॉग। तो भाई आप लोग वहाँ कभी जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से जाए। तो भाई अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। भाई वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल पर नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करना और कमेंट कर बताएगा इस कैसा लगा ब्लॉग। तो भाई जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।